नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें, आप यहां पर देख सकते हो हमें 5% तक की भी गिरावट अभी इस शेयर में देखने को मिली है। दोस्तों कल के दिन की बात करें, शेयर में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली थी। अगर 5 दिन का चार्ट ओपन करूँ तो इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न 10% के आसपास के दे दिए हैं। दोस्तों इस शेयर को कल के पीछे की तेजी का सिर्फ एक कारण था, इसको मिला एक बड़ा ऑर्डर, वो भी IGL की जानी मानी कंपनी से, जिसमें इस शेयर ने 9% के आसपास का जंप भी लगा दिया था। लेकिन अब क्वेश्चन है कि क्या इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस शेयर का मैं पिछले 6 मंथ का भी चार्ट ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देखोगे शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिलती जा रही है। और इसके पीछे की बजाय इसके पिछले आए 2 क्वार्टर, दोस्तों तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट हमें बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर उसके पिछले क्वार्टर की बात करें वो हमें थोड़े से डिसेंट से देखने को मिले थे। लेकिन आपकी बात करें शेयर में धीरे धीरे तेजी देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे होल्ड करके रखना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको इस शेयर को होल्ड करने के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि अगर पिछले 2 क्वार्टर की भी बात कर ले, Q3 की, Q4 की, इस शेयर का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जिसने मेन बिजनेस से कितना इनकम अर्न की है, वो एक अच्छी खासी रेंज में देखने को मिली। लेकिन इनके एक्सपेंसिस इसी हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिले कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी डाउन जाता हुआ देखने को मिला, जिसके कारण इस शेयर में पिछले 6 मंथ से गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अब इस शेयर को देखने को मिल चुके हैं दो बड़े ऑर्डर, यानी कि आने वाले समय में जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी अपने एक्सपेंसिस पर ध्यान दे, एक्सपेंसिस कंट्रोल करे, तो इस शेयर का जो नेट प्रॉफिट है ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है और ये शेयर एक बार फिर से भागता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले अगर 15 दिन की बात करें इस शेयर से जुड़ी हुई, मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई है और उसमें मैंने 2 वीडियो पे इससे जुड़े 2 ऑर्डर बताए थे, जो कि बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं आने वाले समय में फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो। तो अगर आपके पास ये विकास लाइफ केयर का शेयर है तो इसे होल्ड करके रखिए। पैनी शेयर है, पैनी शेयर अगर आपको 40% का लॉस भी देते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट देखने को मिल रहे हैं आपकी, आपको 30% का लॉस देखने को मिल रहा है, 40% का लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर ये शेयर भागते हुए देखने को मिले तो ये 40% का लॉस आपका एक हफ्ते में भी कवर करते हुए देखने को मिल सकते हैं, 10% का जंप लगाते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप की बात करें वो एक स्मॉल कैप में देखने को मिलती है, लेकिन जिस हिसाब से करोड़ों में इस शेयर को ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं तो उस शेयर पे 10-10% के अपर सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपके पास ये शेयर है, आपको लॉस देखने को मिल रहा है, तो इस शेयर को होल्ड करके रखिए, क्योंकि इस बार 2 बड़े ऑर्डर देखने को मिल चुके हैं। और अगर बाय करने का नजरिया है तो मैं आपको बोलूंगा कि इस शेयर में लम सम अमाउंट मत लगाइए, SIP के तौर पे इस शेयर को बाय करके चलिए। जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता है इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए, एकदम से लम सम अमाउंट बिल्कुल ना लगाइए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।